जनपद सिद्धार्थ नगर के मुख्यालय नगर पालिका अध्यक्ष पद पर वर्षों से प्रयासरत भाजपा सिपाही के रूप संघर्षरत राजू सिंह ने नगर पालिका विकास के लिए पिटारा खोलने की बात कही। वहीं प्राथमिक के क्रम में गरीबों की सेवा, हर घर को जल भोजन, भूखा ना सोए नगर पालिका वासी को ध्यान में रखते हुए नामांकन किया है। अध्यक्ष पद के दावेदारी करते हुए निर्दलीय नामांकन किया है। फिलहाल भाजपा पर उम्मीद जाहिर करते हुए प्रत्याशी बनाए जाने की भरोसा जताया है। वहीं विकास को लेकर नगर पालिका में गड्ढा मुक्त नगर पालिका बनाने का भरोसा नगरवासियों को दिलाया है। अब देखना यह है कि क्या भाजपा इन विकास मुद्दे गरीबों के हित भागी प्रत्याशी पर भरोसा कर अपना सिंबल देगी या निर्दलीय नामांकन पर लड़ेंगे राजू सिंह चुनाव। वहीं नगर पालिका में राजू सिंह के मतदाताओं में छवि बरकरार बनी हुई है। वहीं नगर पालिका के समर्थक में कृष्ण प्रताप सिंह, सुरेंद्र अग्रारी, जगदीश कसौधन, अनिल अग्रारी, राजू पांडे, मनोज मिश्रा, पंकज मिश्रा, सोनू तिवारी, राजेश पाठक, रामचंद्र यादव, उमेश यादव, ज्ञानदास यादव, उमाशंकर तिवारी, राजू निषाद, राजू पासवान, राजू लोधी, सोनू लोधी, कुलदीप सिंह, अजय राय, विजय कन्नौजिया आदि समर्थन में सहयोगी बने हुए हैं। वहीं पुलिस की बात करें तो नामांकन स्थल पर सुरक्षा को लेकर तैनात रही। नाम कृष्ण प्रताप राजू सिंह, नगर पालिका सिद्धार्थ नगर अध्यक्ष पद के लिए हमने पर्चा भरा है। आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनावी मुद्दे अगर हम लोग अध्यक्ष बनाते हैं तो हम तो पिछले 20 वर्षों से पद पे रहे हुए, चाहे प्रधान रहे चाहे ब्लॉक प्रमुख रहे, जनता से जुड़ी समस्या को निपटाने का ही मेन उद्देश्य होना चाहिए कि जनता को कहाँ नाली, सीवर, बिजली, सड़क, पानी की समस्या है उसका निस्तारण किया जाए। मेन समस्या तो ये है और मैं इसके लिए जनता की से सेवा करने के लिए मैं अध्यक्ष पद से अपना नामांकन किया हूँ। किसी पार्टी से या निर्दल? अभी तो मैं निर्दलीय के रूप में किया हूँ, कल को पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ही मैं भी सिपाही हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी से ही, हमको सिंबल मिलेगा तो सिंबल से चुनाव लड़ेंगे और नहीं मिलेगा तो मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव आवेदन पत्र दाखिल किया हूँ। चुनाव जीतने के बाद प्रमुख आपका पहला मुद्दा क्या होगा? प्रमुख मुद्दा तो होना चाहिए ये गरीबों की सेवा, सबसे प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। आप देख लीजिए शास्त्री नगर की स्थिति, राम भटोलिया की स्थिति, आप सिसहरिया की स्थिति, हमीद नगर की स्थिति, रमजान नगर की स्थिति देख लीजिए, वहाँ मलिन बस्तियाँ एक तरह से जैसे सरकार की जीरो पावदान पर काम करने मलिन बस्तियों को तब्दील करना है, जल जमाव मुक्त हो, साफ सफाई व्यवस्था हो, वहाँ क्या स्थिति है, क्या विगत नगर पंचायतें काम कर रही हैं, सबसे बड़ा फोकस इस पर होना चाहिए। जल निकासी फोकस होना चाहिए, गड्ढा मुक्त नगर पालिका होना चाहिए। कोई आपका जो लाभार्थी है सरकार की योजनाओं से, चाहे पेंशन हो चाहे राशन कार्ड, इस तरह के लाभार्थी बचना नहीं चाहिए। ये आप अध्यक्ष पद पर बैठ रहे हैं तो आपकी लाइबिलिटी है, इसीलिए जनता आपको अध्यक्ष बना करके भेज रही है कि बेटा तुमको मैं मोहर लगा करके भेज रहे हूँ, जाओ तुम मेरा काम निपटाओ। प्रमुख चुनावी मुद्दे आपसे बताए हमने कि हमारा प्रमुख चुनावी मुद्दा गरीबों की सेवा, सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है। और ये तो सब आएंगे तो रोड, सड़क, बिजली, पानी काम करेंगे और करना ही करना है। जो अभी आप देख लीजिए, अभी तहसील में जहाँ पाइट ले रहे हैं, यहाँ की स्थिति रोड की देख लीजिए, गड्ढा मुक्त नहीं। इस तरह के पूरे नगर पंचायत में हमारा टारगेट रहेगा कि 2 महीने के अंदर पूरी नगर पंचायत गड्ढा मुक्त टारगेट देकर के काम किया जाए। मेरा मैनिफेस्टो जब जारी होगा उसमें मैं पूरा खुल करके रखूंगा सारी बातों को कि कौन सी रोड कहाँ कितने टाइम के अंदर टाइम बाउंड काम किया जाएगा। सबसे प्रमुख मुद्दा तो यहाँ शहर में जो नाला है, जो मेन नाला है, मेन नाले की व्यवस्था समुचित बनानी है, एक टारगेट बना करके, क्योंकि जो पानी आपका सिसहानिया, सरोजनी नगर, ये सब जो जाम हो रहा है, आज़ाद नगर पे बेंसर में पानी जल निकासी समस्या, मेन नाला ही नहीं एक तरह से है और नाला है उसी पर से रोड चल रहा है, तो बहुत खराब स्थिति है। तो सारे मुद्दे हैं, रोड, सड़क, बिजली, पानी,